मर्द लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, लड़ने के लिए हर जगह तैयार से ईट बजा देंगे। गलत जगह आप लोगों ने हाथ डाला है। कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छाता में जो है हाथ नहीं डालना चाहिए। पिताजी को वापस जेल भिजवाने का है, वो उन्होंने किया है। किसके इशारों पे? बड़े बड़े लीडर जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आनंद मोहन के नाम बिहार की राजनीति में सुर्खियों में है। कारण ये है कि बिहार सरकार ने नियमावली में संशोधन कर आनंद मोहन को जेल से रिहा कराया है, लेकिन वापस से जेल जाने का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। वापस से जेल जाने का डर सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि बिहार सरकार को भी सता रहा है। इधर मंच से संबोधित करने के दौरान आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद, जो कि आरजेडी से विधायक है, वो सीधे तौर पर बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुन लो बीजेपी वालों, अगर मेरे पिता वापस से जेल जाते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो लोगों से कहवा रहे हैं कि लड़ोगे ना मेरे साथ, लड़ोगे ना। लोग भी हुंकार भर रहे हैं कि हाँ, हम आपके साथ लड़ेंगे। इधर वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद, आप उनको सुनिए। जेल गए तो आप लोग सब लोग हाथ उठा करके बोलिए लड़ेगा ना। भाजपा को हम लोग दिखा देंगे कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर तुमने हमें ललकारा है तो मर्द लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, लड़ने के लिए हर जगह तैयार है। गलत जगह आप लोगों ने हाथ डाला है। कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छाता में जो है हाथ नहीं डालना चाहिए। मेरे पिताजी को वापस जेल भिजवाने का है, वो उन्होंने किया है। किसके इशारों पे? बड़े बड़े लीडर जो है आज बीजेपी पार्टी के चाणक्य बने हुए हैं, वो लोग बोलते हैं आनंद मोहन जी से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सिंपथी नहीं है। नहीं चाहिए ऐसी सिंपथी, नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। लेकिन विधायक हैं, और जब 16 साल बाद हमारे आपके खुशी के इतना जो समय है वो आया, इनसे इनको चिढ़ होने लगी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कहना चाहिए इन लोगों का? आप लोग सोचिए, ये लोग, इनमें से जो है कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किए। अगर बीच में आओगे तो हम बोल रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से। अगर यह शब्द जो है उनका प्रयोग हुआ मेरे पिताजी के लिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मेरे पिताजी डॉन है, अपराधी है, माफिया है? और ऐसे ऐसे लोग जो लोग घर आ रहे थे, मेरी बहन की शादी थी, ये लोग घर आए थे और फोटो खिंचाने के लिए बोले थे कि आनंद जी थोड़ा उठ जाइए, फोटोग्राफर है, गले मिलते हुए फोटो खींचना है। ऐसे ऐसे लोग पलटने का काम किए। जो लोग लिख रहे थे ट्विटर पे, फेसबुक पे कि आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए, कि राजीव गांधी के हथियारों की अगर रिहाई हो सकती है तो आनंद मोहन जी की क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे ऐसे लोग, और ये लोग क्या किए? जब आनंद मोहन जी बाहर निकले तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द इन लोग को हुआ। हमको लगता है कि उस गर्मी में कम से कम 5 डिग्री और जुड़ गया, जब आज जिस गर्म जोशी से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। लगातार हम लोगों ने साथ मिलकर के संघर्ष किया, बिहार के चप्पे चप्पे में ये संघर्ष हुआ, और सिर्फ बिहार ही नहीं बाहर भी। हम लोग चंडीगढ़ जाते थे तभी हम लोग, जब मेरे पिताजी को जेल हुआ था, ये कहानियां हम लोग सुनते थे। हम लोग तो हॉस्टल में थे उस दिन, बहुत सारे चूल्हे जो है घर के बंद रहे थे, और जिस दिन निकले आप लोग
लोगों ने सुना कि चेतन आनंद ने क्या कुछ कहा। चेतन आनंद अपने पिता के लिए कह रहे हैं कि सुन लो बीजेपी वालों, हमसे अगर लड़ोगे तो सही नहीं होगा। अगर मधुमक्खी के छाते में हाथ डाले हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और हम लड़ने वाले हैं, हम लड़ते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। ईंट से ईंट बजाने का बात मतलब कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त के महीने में आनंद मोहन की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई होनी है। उसके बाद क्या कुछ सामने आता है ये तो देखने वाली चीज होगी। लेकिन अगर वापस से आनंद मोहन को जेल जाना पड़ सकता है तो बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ा घाटा होगा, क्योंकि आनंद मोहन राजपूत समुदाय के एक बहुत बड़े नेता, राजपूत समुदाय की वोट जो है वो बिहार सरकार के खाते में ना आ पाए। धन्यवाद ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ।